थोड़ी सी हमें मेहनत करनी है, त्याग करना है, त्याग से ही भाग्य बनता है। त्याग से तो त्याग करने के लिए तैयार हूं। कौन सी त्याग करनी है? जो व्यर्थ है, जो टाइम हमारी व्यर्थ में जा रहा है। थोड़ी सी सफल बनाने के लिए मैं समय नहीं निकाल सकता, तो उसने त्याग किया। बिहार का भाई था, दिल्ली में आने के लिए उसने जो जो काम समीप के कहीं से पैसे अरेंजमेंट करके टिकट बना के दिल्ली पहुंच गया, परिवार को लेके बोला। और उसका दोस्त अच्छा था, बचपन के दोस्त था, भाई मदद करता या नहीं, जो सच्चा दोस्त होगा। तो बाबा भी मदद करने के लिए हजार भुजाओं से तैयार है। तैयार हो आप? तैयार हो? हाँ जी, हम तो पूरा तैयार है। इतनी तपस्या करेंगे पूरा संसार में प्रकाश फैला देंगे, है ना? लगना चाहिए आज भी ये भट्टी के बाद दादी जी हमें फोन करके बताएंगे कि रमेश भाई आप आए थे ना, उसके बाद भाई मेरे बड़े अच्छी तरीके से जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, एक घंटा एक जगह एक संकल्प, एक घंटा एक जगह एक संकल्प और एक समय, चाहे यहां करो घर में करो लेकिन बार बार करो। ऐसी लगन लगनी चाहिए आपकी तपस्या की ज्वाला, पूरे संसार में फैलना चाहिए। और दादी जी बहने हमारे पास, अरे हमारे भाई बहन तो हमें योग कर रहे बहुत अच्छा। दादी पूछ रही थी ना कि रमेश भाई है तो आप आ रहे हो, रमेश भाई चले जाएंगे तो कौन आता है? योग तो आपको करना है, ट्रेनिंग हो गई, करोगे 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 पक्का? तीन बार बोलो पक्का। पहला पक्का ठीक, कोई माता को बोली नहीं। आज तो मेरा मौन है। लोग कैसे मौन करते हैं पता है? मैं यूरोप में गया था, वहां एक बहन ने हमें बहुत अच्छी बात बताई, भाई साहब ये जो ट्रेनिंग आप करा रहे हो ना बहुत अच्छा। मैंने क्या अच्छा कि कई आत्माएं इतना साइलेंस मेंटेन करते हैं, लेकिन बताना आज मेरा मन है सुबह से शाम तक मन रखो। मन रखना कोई मना नहीं है, लेकिन कैसे रखना है? आपस में हम कौन है? भाई भाई है। कौन है?
तो इसी तरीके से उनकी भी भाई भाई तो दोस्त थे, बहन बहन भी दोस्त बन गए और इतने अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन इनको थोड़ा मन के अंदर भावनाएं थी कि ये तो धनी परिवार है, हम बार बार जाना ठीक नहीं लगता है, तो गए नहीं। फिर 3 साल और गैप हो गया, 5 साल, 2 साल मिले, 3 साल और गैप हो गया। तो 3 साल के बाद एक बार जो गरीब का पत्नी थी वो जा रही थी रास्ते में, सामने से दूसरी आ रही थी और बीच में मिले। अरे वाह, इतने दिन के बाद मुलाकात हुई, खुशी हो रही है, 5000 साल के बाद हम मिल रहे हैं। वैसे तो 16 में मिले थे, खुशी हो रही है, मैं तो बहुत खुश होता हूँ देख। तो जैसे ही मिले उन्होंने कहा, कहाँ गए थे आप? बोला वो जो अभी मॉल है ना दिल्ली में, बहुत बड़ा मॉल खुला है, सेल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सेल लगा हुआ है, और वहां से मैं कुछ लेके आया हूँ। बोला क्या है? बोला साड़ी लगा। कितने की? दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो। ऐसे करते यानी भाई ये कपड़ा आपने कितने की खरीदी? इतना अच्छा काम पता ही नहीं। गाड़ी कोई नया लेके आता है, बड़ा अच्छा स्टाइल वाला है, अरे गाड़ी कितने का ली तुमने? भले मुझे खरीदना नहीं है लेकिन पूछना तो पड़ता है। ये भारत की परंपरा लगभग अनेक जगह पर है, हाँ या ना? तो उन्होंने पूछा कि भाई ये कितने का लाया साड़ी? बोला है तो 15000 का। कितना? कितना? लेकिन मुझे सेल में मिला है 3500 रुपए में मिलेगा। 15000 का 3500? वाह, अच्छा कोई बात नहीं, जाओ। अच्छा ठीक है, अब खाना बना हुआ, लेकिन मन में क्या चला था? साड़ी तो बड़ी अच्छी है। अच्छा अच्छा ठीक है, आपने खाना बना खाया, अभी जाके क्या करो? अच्छा ठीक है, फिर कभी मिलेंगे। ये भी चली गई, वो भी चली गई। वो साड़ी खुशी लेके अपने घर में पहुंची। ये रास्ते में जा रही थी, मन में क्या सोच रही थी? साड़ी बड़ी, बोलो ना, साड़ी बड़ी अच्छी है। पहुंच गई घर में, लॉक लगा था गेट पे, खोल रही थी। लॉक तो खोल रही थी लेकिन सोच क्या रही थी? बोलते जाओ। घर में गई, खाना बनाई, क्या सोच रही थी? खाना खा रही थी, क्या सोच रही थी? सो रही थी, क्या सोच रही थी? नींद भी नहीं आ रही थी लेकिन फिर भी सोई। और जैसे नींद खुली क्या सोच रही थी? 15000 का 3500 मिलता है, कौन नहीं चाहेगा लेने के लिए? लेकिन वो 3500 रुपया भी उसके पास नहीं है क्योंकि सारा कर्जा, इतना कर्जा हो गया था। फिर भी इन्होंने क्या किया? देखा, दूसरे दिन देखा, अपनी छोटे मोटे जो मटके में पैसा रखते हैं, क्या बोलते हैं, गुल्ला, उसमें पैसा कुछ रखा था, आके तोड़ दिया, फटाफट तोड़ के देखा कितना है। 900 रुपया निकला। कितना? 900 निकला। और भी कहीं इधर उधर देखा, अलमारी के नीचे, पेपर के नीचे, इधर उधर 400-500 रुपये और मिल गया, अभी 1400 रुपया हो गया। फिर कुछ कचरा वचरा था वो बेचने वाला, 900 बेचवा के 1900 रुपया हो गया। अभी भी कितना बाकी है? अभी भी मंजिल दूर है। शाम को पति देव आने वाले हैं, तो आज तो बड़े अच्छे अच्छे सब्जी ले। क्या बात है, आज जब पति देव आए, क्या बात है, आज इतने खाने अच्छे अच्छे कैसे बनाए? नहीं बस ऐसे ही बने, आप खाइए भाई। जब हमें किसी को खुश करना है तो अच्छा खिलाना चाहिए या नहीं? नहीं खिलाना चाहिए। मेहमान जब घर में आते हैं ना, बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, है कि नहीं? और सबसे बड़ा मेहमान कौन आया है? मेरा बाबा, 5000 साल के बाद मेरा साजन, मेरा दोस्त, मेरा सर्वशक्तिमान बाबा आया। उसको कितना प्यार से खिलाना चाहिए और क्या खिलाना चाहिए? अपना अनुभव के खजानों की जो रत्न है, जो दिल का स्नेह प्यार का अनुभव है, उसको बांटना है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा,
खा लो खाना खा लो। किसको बोला? पति को। खाया कोई बात हो तो बता ना हमें। हाँ किसने पूछा? मतलब बात तो कुछ नहीं है, वो क्या है, मैं आज वहां से आ रही थी तो सहेली से मिली तो मैं देखा एक बात है आपको बताऊं। हाँ बोलो बोलो क्या बात? अभी तो संतुष्ट नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली मॉल में साड़ी मिल रहा है लेकिन वो ज्यादा महंगा तो है नहीं, 15,000 का है, सिर्फ 3,500 का मिल रहा है। 3,500 इतना पैसा कहाँ से आएगा भाई? नहीं मेरे पास 1900 रुपया है। बोला और कितना चाहिए? अच्छा ठीक है कल मैं ट्रायल करता हूँ। तो उन्होंने फटाफट जब ये समाधान हो गया फटाफट फोन करके पूछा वो सेल कितने दिन लगा हुआ, कितने दिन लगा हुआ? तो उन्होंने कहा बस और 5 दिन था बाकी, अभी शायद और 2-3 दिन बाकी होगा। इन्होंने तैयारी करके शाम को इंतजार करती रही कि कब आएंगे पतिदेव और पैसा, और जैसे पैसा लेके आए इतनी खुश हो गई कल तो सुबह रात को नींद भी नहीं आई। हम सब सत्युग में जाने वाले, कहाँ जा रहे हैं? खुशी हो रही है इतनी खुशी ना। अच्छा किसी ने घर में जाते हुए पूछा क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो? किसको पूछा जा रहा था? भाई को किसी ने नहीं पूछा। बहुत अच्छा तो बता रहा ना हमने। ऐसे ही शाम को आए पति ने पैसा दिया खुश हो गए और तीसरे दिन जैसे सब काम काम करके 9-10 बजे पहुंच गई हूँ और मैं साड़ी खरीद के लगे अभी चैन मिली। होता या नहीं? बाबा यही बात हमको कहने जा रहे हैं कि अपना अनुभव आपके चेहरे से दूसरों को बता क्या मिला है। कहां गए थे? नहीं परमात्मा से मिलन बनाने के लिए मैं वहां तपोवन में गया था। ब्रह्मा कुमारी आश्रम इतना अच्छा लगता है, उसको मत बोलो जाने के लिए कि तुम भी जाओ वहां, लेकिन आपके चेहरे के अनुभव वो कहेगा मैं भी तो पंथ में जाता हूँ संत में जाता हूँ या मंदिरों में जाता हूँ उधर जाता हूँ, तुम भी जाते हो कोई बात नहीं जाओ, लेकिन बाद में जाके वो सोचेगा रास्ते में इसके चेहरे में क्या खुशी थी, साड़ी बड़ी। तो ऐसे ही कहेगा इसका चेहरे में क्या रौनक थी, क्या खुशी थी, कहां से मिली है। अच्छा कोई बात नहीं मेरे को वहां नहीं जाना है, लेकिन बाबा ने कहा आने वाले समय पर सबको यहां पहुंचना ही है। थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे भीड़ हो रही है, आगे बहुत जगह खाली है। साड़ी बड़ी तो ऐसे हर दुनिया में हर एक इंसान को बाबा को पाना ही है, क्योंकि परमधाम को जाने से पहले दिल से बाबा क्या कहना ही है मेरा बाबा। और कब बोलेगा वो मनुष्य आत्माएं कब बोलेंगे? जब आपकी जुबान से छलकेगा अनुभव। पक्का पक्का पक्का। तो आपको क्या करना है? अपने चेहरे से वो अनुभव देना है। बोले वो कहेगा मेरे पास नहीं नहीं है, तू जा अपना काम करो, रात को 2 बजे उठ के 12 साल की उम्र में पूजा पाठ करता था, लेकिन कुछ मिला उसमें से वो प्राप्ति नहीं मिली जो यहाँ 1 सेकंड में सेंटर पे पहुंचा और मुझे सचमुच लगा कि परमात्मा की शक्ति कितना आनंद दे रहा है और मैं पहुंचा। और तो वो जो दुनिया में हमें भक्ति करे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब एक कदम वो यहाँ रखेगा उसको महसूस होगा मैं कहाँ जाता हूँ और कहाँ जाना चाहिए। भले पहले मना करेगा तुम
जाते हो, हम एक ही रास्ते में एक ही मंजिल पर पहुंचेंगे, तुम भी उधर पहुंचोगे उधर से देखे मैं नहीं। एक ही रास्ता है, बिना परमात्मा से मिले आत्मा पावन बने बिना परम धाम कोई जा नहीं सकता। और उनको जाने के लिए लाने के लिए आधार कौन बनेगा? कौन? मैं बनूंगा। ठीक है, कौन बनेगा? मैं। कैसे बनेगा? अपने अनुभव इस चेहरे से। और वो चेहरे में क्या होनी चाहिए? मुस्कुराहट, रूहानियत, दिव्य वरदानी मोल, ये अनुभव सबको सुनाना है कि बाबा से मुझे क्या मिला है। मिला है कुछ? मिला है कुछ? इस भट्टी से कुछ मिला है?